भारत में गरीब अपनों की लाश कंधों पर ढोने को मजबूर है। देश के कई हिस्सों से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस हकीकत को बयां कर रही हैं। ओडिशा के बाद अब ताजा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कानपुर से। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों में सुनील कुमार अपने 12 साल के बेटे अंश को कंधे पर लादे बाल स्वास्थ्य केंद्र की ओर भागे जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल से उन्हें वापस भेज दिया गया। सुनील कुमार का आरोप है कि अंश की मौत शुक्रवार को उसके कंधों पर हुई थी जब वह एक से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहे थे। बताया जा रहा है कि अंश पिछले 3 दिनों से तेज बुखार में तप रहा था और उसके पिता अंश को शहर के सबसे बड़े हैलेट अस्पताल लाए थे, जहां उनसे अंश को बाल स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने के लिए कहा गया। आरोप है कि उन्हें स्ट्रेचर देने के लिए भी मना कर दिया गया था, सो वह पैदल ही अंश को कंधे पर लादे बाल स्वास्थ्य केंद्र की ओर ले गए, जहां उन्हें बताया गया कि बच्चे की मौत हो चुकी है और अगर कुछ मिनट पहले भी ले जाया गया होता तो शायद अंश को बचाया जा सकता था। ये खबर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलती है। कानपुर के सबसे बड़े हैलेट अस्पताल के प्रशासन पर लगे ये आरोप बेहद गंभीर है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए DM ने भी जांच के आदेश दिए हैं। देखते रहिए TV Live।